हेलो स्टूडेंट, आई एम तनु सैनी। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इन दिस वी रीड अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फीमेल्स। फर्स्टली वी डिस्क्राइब मॉन्सप्यूबिस। मॉन्सप्यूबिस क्या होता है? ये ट्राइंगुलर माउंटेड ऑफ फैटी टिश्यू का बना रहता है जो प्यूबिक बोन से कवर रहता है। ये प्यूबिस सिम्फाइसिस को प्रोटेक्ट करता है और एडोलेसेंस के टाइम पर सेक्स हार्मोन ट्रिगर होता है जिससे प्यूबिक हार्मोन का ग्रोथ होता है मॉन्स प्यूबिस पर। हेयर्स जो होते हैं वो वेरीज करते हैं, कितना कोर्सनेस है या कर्लीनेस है, कितना अमाउंट है या कितना थिकनेस है, वेरी करता है। नेक्स्ट लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा क्या कहते हैं? आउटर लिप, और ये डार्कन पिगमेंट में होता है। लेबिया मेजोरा क्या करता है? ये प्रोटेक्ट करता है इंट्रोइटस को और यूरेथ्रल ओपनिंग को, और कवर रहता है हेयर से और सीबेशियस ग्लैंड से। टेंड टू बी स्मूथ, स्मूथ होता है, मॉइस्ट होता है, हेयरलेस होता है, और एज के साथ साथ और चाइल्ड बर्थ के बाद ही फ्लैसिड हो जाता है। नेक्स्ट है लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा का कहते हैं इनर लिप। ये किससे बना होता है? इरेक्टाइल कनेक्टेड टिश्यू जो डार्कन हो जाता है और स्वेल होता है एट द टाइम ऑफ कॉइटस। ये बहुत ज़्यादा सेंसिबल होता है, रेस्पॉन्सिव टू टच होता है। देन लेबिया मेजोरा। लेबिया माइनोरा जो होता है वो टाइटन हो जाता है एट द टाइम ऑफ इंटरकोर्स। नेक्स्ट क्लाइटोरिस। ये हाईली सेंसिटिव ऑर्गन है और ये कंपोज किससे होता है? नर्व्स, ब्लड वेसल्स और इरेक्टाइल टिश्यू। देन ये लोकेटेड कहाँ पे होता है? अंडर प्रिप्यूज। ये मेड अप किससे बना रहता है? ये शेफ्ट और ग्लैंड से। ये बिकम एनगोर्ज ए ब्लड ड्यूरिंग सेक्शुअल स्टिमुलेशन, की टू सेक्शुअल प्लेजर फॉर मोस्ट वुमेन। यूरेथ्रल ओपनिंग इज लोकेटेड डायरेक्टली बिलो क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस के नीचे यूरेथ्रल ओपनिंग होती है। नेक्स्ट है वेजाइनल ओपनिंग इंट्रोइटस। ये जो ओपनिंग होती है ये किससे कवर रहती है? एक थिन शीट से रहती है जिसे हम हाइमन कहते हैं। हाइमन की प्रेजेंस से हम डिटरमाइन करते हैं कि वर्जिनिटी को हम डिफाइन करते हैं। कुछ वुमेंस में जो होता है कि वो विदाउट वुमेन हाइमन बॉर्न करती हैं, और जो हाइमन है वो काफ़ी परफोरेटेड रहता है एट मैनी डिफरेंट इवेंट्स। जैसे एथलीट्स होते हैं उनका हाइमन उस टाइम पर टूट जाता है। जो ब्लड सप्लाई है, ब्लड सप्लाई कैसी है? आर्टरी, कौन कौन सी आर्टरी है? ब्रांच ऑफ इंटरनल पुडेंडल लेबियल आर्टरी है, ट्रांसवर्सल पेरिटेनियल आर्टरी है, आर्टरी टू वेस्टिबुलर बल्ब, डीप एंड डोर्सल आर्टरी टू क्लाइटोरिस। ब्रांच ऑफ फीमोरल आर्टरी क्या है? सुपरफिशियल एंड डीप एक्सटर्नल आर्टरी, पुडेंडल आर्टरी। नेक्स्ट वेन्स कौन कौन सी होती हैं? इंटरनल पुडेंडल वेन, वेसाइकल वेजाइनल वेनस प्लेक्सस, लॉन्ग सेफिनस वेन। नर्व सप्लाई कौन सी? एंटीरियर सुपीरियर पार्ट, हीलियो इंगोइलर एंड जेनिटल ब्रांच ऑफ जेनिटो फ्यूमरल नर्व। पोस्टीरियर इन्फीरियर पार्ट कौन से हैं? पुडेंडल ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर कुटेनियस नर्व ऑफ थाई, सैक्रल 1, 2, 3, और इन बिटवीन लेबियल एंड पेरिनियल ब्रांच ऑफ पुडेंडल नर्व जो कौन सी होती है? सैक्रल 2, 3, 4। लिम्फेटिक सप्लाई कौन सी है? सुपीरियर इंगाइनल नोड्स होती है, ग्लैंड्स ऑफ क्लोकेट्स, एक्सटर्नल एंड इंटरनल इलियक नोड। पेरिनियम क्या होता है? ये वेजाइनल ओपनिंग और एनल कैनाल के बीच का पार्ट होता है जो काफ़ी सॉफ्ट होता है। ये सपोर्ट करता है जो हमारा यूरिनरी और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है उसके लोअर पार्ट को ये सराउंड करके रखता है और सपोर्ट करता है। जो पेरिनियम होता है इसमें काफ़ी नर्व एंडिंग होती हैं और ये बहुत सेंसिटिव होता है टच। और जो एपिजियोटमी होती है वो इसी साइड पर होती है एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ, इसलिए क्योंकि जिससे वेजाइनल ओपनिंग वाइड हो सके। इंटरनल जेनिटल ऑर्गन कौन से हैं? वेजाइना, यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब एंड ओवरीज। वेजाइना क्या है? फाइब्रोमस्कुलर मेम्ब्रेन शीट है, ये एक्सक्रेटरी चैनल होता है और ऑर्गन ऑफ कॉपुलेशन है। बर्थ कैनाल ऑफ पार्चुरेशन है, 45 डिग्री हॉरिजॉन्टली होता है, 2.5 सेंटीमीटर्स का डायमीटर है, डिस्टेंसिबिलिटी है। वेजाइना किसे कनेक्ट करता है? सर्विस को, एक्सटर्नल जेनिटल से, और ये लोकेटेड होता है बिटवीन ब्लेडर एंड रेक्टम।
साइज़ और शेप क्या है इसका, 9 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। मसल्स कौन सी हैं वजाइनल वॉल की, वैसे थिक होती हैं और इलास्टिक होती हैं। ये हेल्प करती है मूवमेंट ऑफ पेनिस ड्यूरिंग इंटरकॉर्स और पैसेज ऑफ चाइल्ड ड्यूरिंग डिलीवरी। टू लेयर्स होती हैं इसकी, इंटरनल सर्कुलर लेयर है, एक्सटर्नल लॉन्गिट्यूडनल लेयर। इंटरनल सर्कुलर लेयर वीक होती है और एक्सटर्नल लॉन्गिट्यूडनल लेयर स्ट्रॉन्ग होती है। जो वेजाइना वॉल है इसमें कोई ग्लैंड नहीं होती है, ये लुब्रिकेट होती है विद द हेल्प ऑफ बार्थोलिन ग्लैंड इन लेबिया। इसमें ग्लाइकोजन प्रेजेंट रहता है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमें बचाता है जो डिजीज कॉज करते हैं। नेक्स्ट क्या है, फंक्शन ऑफ वेजाइना। ये पाथवे है मेंस्ट्रुअल फ्लो के लिए और इसमें यूट्राइन सिक्रेशन पास डाउन होता है थ्रू द इंट्रोइटस और ये बर्थ कैनाल के तरह भी काम करती है एट द टाइम ऑफ लेबर विद द हेल्प ऑफ टू बार्थोलिन ग्लैंड। ये लुब्रिकेटेड होती है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। और वॉल ऑफ वेजाइना कौन सी होती है, एंटीरियर पोस्टीरियर टू लेटरल वॉल। एंटीरियर 7.5 पोस्टीरियर 9 सेंटीमीटर होती है। फोनिक्स एंटीरियर होता है पोस्टीरियर होता है और टू लेटरल वॉल होती है। एंटीरियर शैलो है पोस्टीरियर डीप है। नेक्स्ट यूट्रस। यूट्रस क्या होता है, एक हॉलो पायरिफॉर्म मस्कुलर ऑर्गन है। पोजीशन क्या होती है इसकी, एंटी वर्जन और एंटी फ्लेक्शन होती है। यूट्रस डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है। मेजरमेंट 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 5 सेंटीमीटर थिक है और वेट कितना होता है इसका, 50 to 80 ग्राम। एट द टाइम ऑफ डेली प्रेगनेंसी ये कितने का हो जाता है, 900 ग्राम का हो जाता है। पार्ट ऑफ यूट्रस क्या होते हैं, पार्ट ऑफ यूट्रस देखिए, पहला होता है बॉडी जिसे हम कॉर्पस कहते हैं, 5 सेंटीमीटर का होता है। इस्थमस जो 0.5 सेंटीमीटर का होता है, मतलब इंटरनल एनाटॉमिकल ऑस और हिस्टोलॉजिकल इंटरनल ऑस के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो इस्थमस का होता है जो 0.5 सेंटीमीटर का होता है। सर्विक्स 2.5 सेंटीमीटर का होता है। सुप्रा वेजाइनल इंफ्रा वेजाइनल पोर्टियो वेजाइनलिस पार्ट। सर्वाइकल कैनाल एक्सटर्नल ऑस ओपनिंग शेप होती है इसकी। एक्सक्रेशन क्या करता है, एल्कलाइन और थिक होता है इसका। फ्रक्टोज एनएसीएल और म्यूको प्रोटीन में ये रिच होता है। और बॉडी क्या होती है इसकी, फंडस होती है। बॉडी प्रॉपर होता है कॉर्नर होता है। फंडस 1.5 सेंटीमीटर, बॉडी प्रॉपर 3.5 सेंटीमीटर कॉर्नर होता है। एरिया कौन सा एरिया होता है जहाँ पे फैलोपियन ट्यूब यूट्रस से अटैच रहती है उसे हम कॉर्नर कहते हैं। तीन स्ट्रक्चर होते हैं जो कॉर्नर पे अटैच होते हैं, राउंड लिगामेंट फैलोपियन ट्यूब और ओवेरियन लिगामेंट पोस्टीरियर। कौन कौन से सपोर्ट होते हैं यूट्रस के, प्राइमरीली क्या होता है, पेल्विक डायफ्राम से सपोर्ट मिलता है। सेकंडली लिगामेंट से सपोर्ट मिलता है जो कि यूट्रासेक्रल लिगामेंट है, कार्डियल लिगामेंट है, कार्डिनल लिगामेंट, पीवो सर्वाइकल लिगामेंट। ब्रॉड लिगामेंट क्या होता है कि यूट्रस की साइड पर जो पेरिटोनियम शीट होती है वो एक दूसरे के मतलब आपस में ही कांटेक्ट में आ जाती हैं जिससे एक डबल लेयर बनती है पेरिटोनियम की, उसे हम कहते हैं ब्रॉड लिगामेंट। ये कनेक्ट करती है यूट्रस वॉल को और पेल्विक फ्लोर को। ये इसके कितने पार्ट होते हैं, मीजोमेट्रियम मीजोसेल्पनिक्स मीजोवेरियम। ये मीजेंट्री ऑफ यूट्रस मीजेंट्री ऑफ फैलोपियन ट्यूब मीजेंट्री ऑफ ओवरीज। फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब क्या होती है, पेयर्ड स्ट्रक्चर जो 10 सेंटीमीटर लेंथ का होता है, सिचुएटेड रहता है मीडियल 3/4 ऑफ अपर फ्री मार्जिन ऑफ ब्रॉड लिगामेंट। ब्रॉड लिगामेंट के मीडियल 3/4 पार्ट में ये प्रेजेंट रहता है। ईच ट्यूब हैज़ टू ओपनिंग, है ना, दो फेलोपियन ट्यूब होते हैं और हर एक ट्यूब की दो ओपनिंग होती है, एक जो यूट्रस की तरफ खुलती है वो यूट्राइन ओपनिंग और जो पेल्विक की तरफ खुलती है वो पेल्विक ओपनिंग। इसकी तीन लेयर होती हैं, सीरस लेयर मस्कुलर लेयर और म्यूकस लेयर। म्यूकस लेयर में पैक सेल्स प्रेजेंट रहती हैं। ओवरीज ये पेयर्ड है सेक्स ग्लैंड का फीमेल्स में, जो सिचुएशन रहती है वो ओवेरियन फोसा में रहती है, मतलब लेटरल पेल्विक वॉल के ओवेरियन फोसा में रहता है। अटैचमेंट जो रहता है वो पोस्टीरियर लेयर ऑफ ब्रॉड लिगामेंट का रहता है टू लेटरल पेल्विक वॉल टू यूट्रस बाय ओवेरियन लिगामेंट। ये इसके अटैचमेंट है ओवरी के। साइज का रहता है 3 x 2 x 1 सेंटीमीटर, मतलब क्या है, लेंथ 3 सेंटीमीटर विथ 2 सेंटीमीटर और हाइट 1 सेंटीमीटर। वेट कितना होता है, 5 to 10 ग्राम। शेप इसकी ओवल शेप होती है और पिंकिश कलर होता है। सप्लाई क्या है, आर्टरी होती है ओवेरियन आर्टरी से मिलती है, वेन पैम्पिफॉर्म प्लेक्सस और ओवेरियन वेन, लिम्फ एओर्टिक नोड, एक्सटर्नल इलियक नोड, नर्व T10। नेक्स्ट क्या है इसका, पार्ट ऑफ ओवरी।
आउटर जो होता है पार्ट उसे कॉर्टेक्स कहते हैं, इनर को हम मेडुला कहते हैं। जो कॉर्टेक्स होता है इसमें स्ट्रोमल सेल्स कंसिस्ट रहती हैं जो कि थिकेंड होती हैं, मतलब जर्मिनल एपिथीलियम के नीचे ये थिकेंड होते हैं, जिसे हम ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं। मेडुला इनर लाइन है, इसमें लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं और फ्यू स्ट्रिप्ड मसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। कुछ सेल्स कलेक्ट होके क्या बनाती हैं, हाइलस सेल बनाती हैं जो इंटरस्टिशियल सेल के ऑफ टेस्टिस के होमोलोगस होता है, और थर्ड इसका हाइलम। ये क्या है, ये डायग्राम है ओवरी का, देखिए इसमें क्या एक साइकिल बन रही है जिसमें हम दिखा रहे हैं कि प्राइमरी फॉलिकल है, सेकेंडरी ओसाइट है, देन एंट्रम इसमें फॉर्म हुआ है, जो मतलब खाली जगह है उसे एंट्रम कहेंगे, और मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बनी है। देन एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन इसमें रप्चर हो गया है जिसमें से ओवम रिलीज हुआ है। देन अगर फिर ये कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ये अपने फर्दर स्टेज में जाता है, अगर नहीं होता तो कॉर्पस एल्बुकेंस के में कन्वर्ट हो जाता है और एक स्कार के फॉर्म में छूट जाता है। ऐसी ये साइकिल चलती रहती है हर एक 28 डेज में। ये क्या है, कि ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है जिसमें हम बता रहे हैं कि बिल्कुल बीच में जो है वो ओसाइट है, और ये आप देख रहे हैं कि ये क्या है, पेरी मेम्ब्रेन स्पेस है। रेड कलर की जो सिंगल लाइन है ये जोना पेलुसिडा है। जोना पेलुसिडा के तुरंत बाहर जो सेल है वो कोरोना रेडिएटा है, और इसके बाहर जो भी ये सेल्स हैं ब्लू ब्लू कलर की, ये हैं क्यूमुलस ओपोरस सेल्स। देन एंट्रम है, जो स्पेस है दिख रहा है ये एंट्रम होता है, और ये जो आप ब्लैक ब्लैक देख रहे हैं ये बाहर की आउटलाइन, ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन। देन इसके बाद जो ग्रीन कलर की ये आप सेल्स देख रहे हैं ये है थीका इंटरना, और जो रेड कलर की सेल्स हैं ये थीका एक्सटर्ना है। ये एक मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट है पेल्विक फ्लोर, सॉफ्ट टिश्यू विच फिल द आउटलेट ऑफ पेल्विस। इसके थ्रू क्या क्या पास होता है, यूरेथ्रा, वेजाइना और एनल कैनाल। पेल्विक फ्लोर की मसल्स कौन सी होती हैं, सुपरफिशियल मसल और डीप मसल। सुपरफिशियल मसल कितनी होती हैं, 5, एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर, ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल, बल्बो कैवर्नस मसल, इशियो कैवर्नस मसल, मेम्ब्रेन स्फिंक्टर ऑफ यूरेथ्रा। डीप मसल्स 3 पेयर ऑफ मसल होते हैं, जो प्यूबो कॉक्सीजियस, इलियो कॉक्सीजियस, इशियो कॉक्सीजियस, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, एलिवेटर एनी। पेल्विक फेशिया, पेल्विक फेशिया क्या है, ये फेशिया ऑफ पेल्विस है जो डिवाइड करती है दो में, फेशिया शीथ ऑफ एब्डुरेटर, ऑब्टुरेटर इंटरनस मसल्स, पायरीफॉर्म मसल्स, पेल्विक फ्लोर, और फेशिया एसोसिएटेड विद ऑर्गन्स ऑफ पेल्विस। फेशिया ऑफ पेल्विक ऑर्गन, इट इज़ डिवाइडेड इंटू टू लेयर, वेसिकल लेयर, रेक्टल लेयर। फेशिया ऑफ पेल्विस फ्लोर सुपीरियर और इन्फीरियर होता है, सुपीरियर बोथ सर्फेस ऑफ लिविटर यानी मसल को कवर करता है, और जो इन्फीरियर वो डायफ्रेगमेटिक पार्ट्स ऑफ पेल्विक फेशिया को कवर करता है, बोथ द सर्फेस ऑफ लिविटर एनी। थैंक यू फॉर योर व्यूज़, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल।